दोस्तों, एक अच्छे शरीर का निर्माण करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दो बॉडी बिल्डिंग टिप्स के बारे में जानकारी देंगे, जिन्हें अगर आपने अपने दिमाग में रख कर फॉलो कर लिया तो आप बहुत जल्दी एक अच्छी बॉडी के मालिक बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और आप देख रहे हैं अपना ही हेल्थ चैनल ठाकुर जी फिटनेस। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नई जानकारी हासिल कर लेते हैं। टिप्स नंबर वन, दोस्तों अगर आप अंडर वेट हैं यानी आपका वजन कम है और आप साइज गेन करके एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सुबह के टाइम में जिम करते हैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले आप एक गिलास गुनगुने पानी में दो चम्मच शहद को मिलाकर जरूर पिएं। ऐसा करने से होगा ये, एक तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा और जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा तब आपकी बॉडी में खाया पिया भी लगेगा। दूसरा, आपका पेट साफ रहेगा और जब पेट की गंदगी मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलेगी तब आपको कब्ज और अपचन की शिकायत न होगी। शहद में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और जब आप इसको गुनगुने पानी के साथ में सुबह खाली पेट पीते हैं तब ये औषधि हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ पहुंचाती है। दोस्तों, जिम जाने से एक घंटा पहले आपको एक हेल्दी मील लेकर जरूर जाना है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपको बॉडी का साइज बढ़ाना है तो आपको खाली पेट जिम नहीं जाना है बल्कि एक हेल्दी मील खाकर आपको जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सुबह सुबह हेल्दी मील में क्या लिया जाए जिससे कि बॉडी को भरपूर न्यूट्रिशन मिल सकें। यहाँ पर मैं आपको दो किस्म की डाइट बता देता हूँ, जो आपको पसंद हो आप उस डाइट को ले सकते हैं। पहली और सबसे सस्ती चीज़ ये है कि आप 50 ग्राम काले चने और 50 ग्राम मूंग दाल लें। इन दोनों चीज़ों को शाम को 5 बजे के करीबन पानी में भिगोकर रख लें और सुबह जिम जाने से एक घंटा पहले आप इन्हें खा सकते हैं। दोस्तों, चने और मूंग दाल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और भी बहुत सारे पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे। दूसरी जो हमारी डाइट है वो है दो उबले हुए आलू और दो उबले हुए अंडे। आलू से आपकी बॉडी को पोटासियम कार्बोहाइड्रेट मिलता है और अंडे से प्रोटीन, बहुत सारे अमीनो एसिड भी आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। तो आप इन दोनों डाइट में से कोई भी एक डाइट ले सकते हैं। टिप्स नंबर टू, दोस्तों काफ़ी लड़के जिम के अंदर कम नॉलेज होने के कारण हल्के वेट से वर्कआउट करते रहते हैं जिससे कि उन्हें कोई भी रिजल्ट सालों साल नहीं मिल पाते हैं। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि हमें जिम के अंदर मजदूरी नहीं करनी है बल्कि मेहनत के साथ साथ में अपने दिमाग का भी भरपूर इस्तेमाल करके मसल्स गेन करना है। दोस्तों, जब हम बहुत हल्के वेट से एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी बॉडी पर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है और दोस्तों इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मसल्स बिल्ड प्रेशर के अंडर ही होती है। यानी जब तक हम अपनी बॉडी पर थोड़ा हैवी वेट से लोड नहीं डालेंगे तब तक आपके मसल्स ग्रो नहीं होंगे। मसल्स बिल्ड करने के लिए आपको जिम के अंदर थोड़ा हैवी वेट से वर्कआउट करना है और वर्कआउट को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। एक दिन में एक ही बॉडी पार्ट को अच्छी तरह से ट्रेन करना है और एक घंटे में अपने वर्कआउट को फिनिश कर लेना है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि साइज गेन करने के लिए पोस्ट वर्कआउट में क्या खाना चाहिए और दिन भर की डाइट क्या होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें साइज गेन डाइट। जितने ज़्यादा कमेंट और लाइक होंगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और हेल्थ से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दें।